Salute. Yuan is ready to go for swimming. Hello everyone, welcome back to my channel. सब मजे में होंगे, वीकेंड आ गया है, मजे कर रहे होंगे भाई। अब सबकी कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या प्लानिंग है। हमारी वीकेंड की भी शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है सुबह सुबह, लेकिन मिला न्यूज कि भाई आरती नहीं आ रही है, फिर लक्ष्मी भी नहीं आ रही है। तो हुआ कि भाई लो, आज तो हम लोग को जो जो प्लानिंग थी सब टाइट टाइट फिश होने वाली है। लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से पति देव ने भाप लिया कि इन दोनों को लगेगी भूख, तो हमारे लिए बड़ा बढ़िया बढ़िया सा नाश्ता आया है। देखिए सुबह सुबह मम्मी सिंह इज एंजॉइंग वड़ा एंड दाल वड़ा भी है, अभी मैंने खोला नहीं। मम्मी को इतनी तेज उसको देख के भूख लग गई ना, पूरा वेट ही नहीं की कि मैं अच्छे से उसको अच्छा खोल दूं। सांभर ने डुबा के, ये भले पैदा हुई है नॉर्थ में लेकिन है साउथ इंडियन, कुछ भी। अब हम लोग जा रहे नाश्ता करने, देखो देखो रुक ही नहीं रही थी कि मैं अच्छे से सब निकाल दूं, बस इनको इतना है कि जल्दी से जल्दी खा लूं। दोनों जन खाचरू लोग ही है इधर। हमने सोचा पहले चाय पी लेते इत्मीनान से खाएंगे, तब तक देखो मेरे गुड मॉर्निंग बोलने तक मम्मी का गुड आफ्टरनून हो गया। गुड मॉर्निंग, लीजिए आप भी खाइए। आज हम पहुंच गए हैं साउथ इंडिया में, नाश्ता आया है साउथ से यम्मी यम्मी सा। तो आज जो है शनिवार, तो सैटरडे के दिन जो है मुझे पहले नहीं मालूम था, शादी के बाद यहाँ आके मम्मी बोलती थी कि सैटरडे के दिन अगर आपके घर में सब झाले वाले हों या जो भी, मतलब ऐसा यहाँ पे तो बहुत कम होते, इधर अभी हो रहे बिकॉज ऑफ ये डस्ट ये सब जो आता है काम का, तो वो सब निकालने चाहिए, पंखे वंखे पोछने चाहिए, मतलब ये सब धूल मिट्टी सब घर की साफ करनी चाहिए। तो मेरा दो सैटरडे से नहीं हो पा रहा था, आज आ गई उसकी बारी। ये थोड़े पंखे बड़े गंदे पड़े हुए, तो आज सोची थी लक्ष्मी आएगी तो उससे कराएंगे, लक्ष्मी आई नहीं तो कोई नहीं, आज हम बन जाते हैं लक्ष्मी। वैसे भी नाश्ता बहुत खा लिया है सो अब उसको सारा निकालना है, तो आज हम लोग भी सफाई अभियान में फिर जुटेंगे। ये फैन हो गया है, अब उस पे इसकी बारी है। तो भाई झाड़ू और डस्टिंग वस्टिंग तो हो गई है और मेरे बाल एकदम से पसीने से लस्त हो चुके हैं, तो मैं थोड़ी देर सुखा ले रही हूँ। गर्मियों में ना ये लंबे बाल बिल्कुल नहीं मन करता रखे, लेकिन अभी हाइलाइट्स कराई हूँ रिसेंटली, तो मैंने सोचा भाई थोड़े दिन तो लंबे रख लेते हैं, फिर इनको चॉप 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 कर दिया जाएगा। यूं पता नहीं क्या कर रहा। तो भाई थोड़ा सा पसीना सुखा लेते हैं, फिर वो कारपेंटर लोग आ गए हैं तो उनके लिए भी चाय बनाती हूँ और खुद भी पी लेते हैं, फिर लग जाते हैं मेरे। वार्डरोब इतना मैसी नहीं है वार्डरोब, लेकिन कैसा है जो थो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा पौना घंटा लगने। युवान का तो मैं नहीं आज करूँ क्योंकि उसको तो टाइम जाने वाला है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करनी पड़ेंगी चीज़ें, तो वो अब मैं बाद में करूँगी, आज बस अपना अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा खुद को थकाने से कोई सेंस नहीं बनता ना, कोई मेडल तो मिलना नहीं है सफाई का। घर ही घर में है हम लोग। भाई वार्डरोब पुकार रहा है, आइए भाई अब तो साफ करिए हमको, कब करेंगे कब। तो अब आ गई है मेरी बारी इनको क्लीन करने की, तो लग जाते हैं काम पे। तो भाई बस इतने ही कपड़े हैं जो यहाँ वहाँ हो गए थे, तो इनको अब समेटना है, ज़्यादा नहीं है, और बाकी तो मेरा ठीक ही ठाक है, जो उसमें पड़े पड़े हैं सब वैसे ही हैं। तो भाई फाइनली वार्डरोब हो गया है सेट, जो था पहले अपसेट। और अब हम लोग जा रहे हैं पेट पूजा करने, देख लीजिए हो गया ऑल सेट। मतलब इसमें तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बस थोड़े बहुत कपड़े इधर उधर हो गए थे, लेकिन वो उतना सा करने के लिए ना टाइम निकालने के लिए बहुत ज़्यादा सारा था, बट अब हो गया है ऑल डन। और कितना अच्छा लग रहा है आँखों को कि हाँ भाई समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। तो अब बस आज के लिए इतना ही था, अब युवान का जो है वो तो मुझे करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम, तो वो मैं बाद में करूँगी, अभी हम जा रहे हैं। वॉट इज ही मेकिंग, मतलब चंद्रभान के ऊपर पूरी निगरानी मेरा बेटा रख रहा है ना, पूरा सीख रहा है क्या है, अपनी दादी पे गया है। युवान इज रेडी टू गो फॉर स्विमिंग, आर यू एक्साइटेड? या
अच्छा चलो ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। आज आपके और कोई फ्रेंड नहीं है, युवान आपको अकेले खेलना है लेकिन। ऑलराइट, ये क्या है? स्विमिंग क्लोथ्स। स्विमिंग क्लोथ्स है भाई। तो आज हमने ना वार्डरोब अरेंज किया, उसका रील्स वगैरह बहुत बनाई, 3-4-5-6 रील्स तो मैंने बना डाली। फिर युवान बोला लगा कि उसको स्विमिंग जाना है, फिर मैंने कहा हाँ यार बहुत दिन हो गए स्विमिंग नहीं किया इसने, तो हम ले आए इसको स्विमिंग पूल। अब जा तो रहे हैं हम लोग स्विमिंग करने, लेकिन पता नहीं बेटा खुला है कि नहीं, क्योंकि पूल ना पता नहीं 3-4 दिन से मेंटेनेंस के लिए बंद था। और मैंने क्या गलती की, मैंने कॉल नहीं किया है। होपफुली खुला हो, नहीं तो मेरे बच्चे का बेचारे का पचका हो जाएगा। यस, लिफ्ट योर लेग्स, लिफ्ट योर लेग्स, लिफ्ट योर लेग्स। हाँ, लिफ्ट लिफ्ट, बॉडी ऊपर करो बेटा। वो करेगा ही नहीं, ऐसे ही खेलेगा। आप सीखना नहीं है, उसने सीखना नहीं। एक्चुअली स्विमिंग आती नहीं है, तो कुछ तो टाइम पास करना है इसको। देखिए इसको, मतलब कुछ तो करना है पानी में जाके। आती नहीं है स्विमिंग, अभी सिखाना उसको। उसको एक्चुअली स्विमिंग भेजनी है अभी मुझे उसको, वही मैं फाइंड आउट कर रही हूँ कि कहाँ यहाँ पे हो रहा है। सो मे बी मई में उसको मैं डालूँ स्विमिंग क्लासेस। और मैं फिलहाल नहीं जाती थी क्योंकि मुझे पहनना पड़ेगा कैप, और मेरी जो कैप है वो फट चुकी है, मुझे नई लेनी होगी, तो उस पर बहुत ध्यान देना पड़ रहा है। दादी दादी होती है, मैं फ्लोट्स लेके नहीं आई, ये लेके आना है तो ठीक से करो। अब युवान सिंह पानी से निकलने से रहे, मैंने सोचा था कि थोड़ी देर खेल के फिर घर ले जाऊंगी इसको, अब ठंडा लग रहा है पानी में। अब फ्लोट मिल गया है तो भाई साहब कब निकलने से रहे। देखिए अब वो अपना मगन हो जाएंगे, अभी फ्लोट पे ही खेलेंगे। अब इसको निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। युवान बन गए हैं कछुआ, कछुआ छाप। यस युवान, कम ऑन डू इट। हाँ, ट्राई ट्राई ट्राई, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही करते रहो। ये देखिए कबूतर भी क्लोरीन वाला पानी पी के मजे कर रहे हैं, अच्छा है। गर्मी में कम से कम इन लोगों के लिए अच्छा हो गया, स्विमिंग पूल के पानी से इनकी प्यास बुझ जा रही है। इसको बोला घर चलने तो कहता नहीं, अभी दूसरा फ्लोट बचा है। अब इनको देखे जरा, आर यू हैविंग फन युवान? युवान आर यू एंजॉइंग? या यू लाइक दिस फ्लोट और यू लाइक द अदर फ्लोट? यू लाइक दिस फ्लोट, सो वी विल गिव दैट टू ध्यारा बेबी। द्यारा बेबी विल कम नेक्स्ट टाइम, नाउ शी स्लीपिंग। देखिए जरा इनको गप्पे मारने का बहुत है, पंचायती करना है बेटा इनको, पानी में भी गप्पे मारने। क्या कर रहे हो, फ्रॉम वेयर आई यू? बेचारी उसको स्विमिंग नहीं करने दे रहा है, पूरी उसकी डिटेल ले रहा है। मतलब आज हमको रील्स बनानी थी तो हमने यहाँ पे भी रील्स बना ली। अब आप लोग ना कनेक्टेड रहिएगा मेरे चैनल पे, ताकि आपको मेरे आगे के भी रील्स और शॉर्ट्स जो है देखने को मिल जाए। मजेदार हम लोगों ने रील्स बनाई है आज भी। फाइनली भाई सब मान गए स्विमिंग पूल से बाहर आने के लिए, लेकिन इतना तामझाम अच्छे की ध्यान में को दिल्ली कि आप बात है। अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात कर दी कि ये मान गया इसको किसी और को देने के लिए। गिव मी हाई फाइव, गिव मी हाई फाइव। ज्यादा बेबी इज माय साइज। ओ ज्यादा बेबी इज हर योर कजन? या इज योर कजन? या अरे वाह भाई वाह। तो भाई आप सबने देख ही लिया कि मेरा बेटा पानी का मतलब मछली है, उसको पानी में रहने बोलूँ तो पूरा दिन पानी में रहेगा। तो ये हाल था उसको, कैसे कैसे करके तो मैं बाहर लेके आई, फिर वो इतना थक गया था ना कि घर पे आके थोड़ा बहुत कुछ खा पी के वो सो गया। अब वो सो गया तो मेरे लिए एक अच्छा बात हो गया, क्योंकि मैंने जो काम सब अधूरे छोड़े थे निपटा लिए, बेडशीट चेंज करनी थी वहाँ का भी सब चेंज किया, और फिर कल सुबह सुबह जल्दी निकलना है तो युवान का बैग रेडी कर दिया। मतलब एक दिन भी जाना है तो उसके मुझे दो सेट ऑफ क्लोथ्स रखने ही पड़ते हैं, थोड़ी बहुत टॉयज़ हो गई टाइम पास के लिए, कुछ बुक्स वगैरह क्रेयॉन्स वगैरह। तब सुबह सुबह बहुत भागम भागी हो जाती है ना, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है, पहले मम्मी के घर जाऊँगी फिर वहाँ से हम चाचा के घर जाएँगे। तो इस वजह से मैंने सब वो निपटा लिया, तो एक तरह से सॉर्टेड ही है। वो सोया हुआ है, बस अब उसको उठा के चेंज करके उठाऊंगी, मतलब चेंज कर दूंगी, अगर उठ गया तो बढ़िया, नहीं उठा तो जब उठा तो दूध वूध पी लेगा। खा के ही सोया है वो, तो ऐसे तो है नहीं। तो बस फिर आज का दिन यहीं ख़त्म, मिलते हैं कल। और अगर मेरे ब्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करिएगा, और जो लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।